आमंत्रित करूंगी कि वे कृपया मंच पर आए और अपना धन्यवाद उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें। सत्या जी, एक बार जोरदार तालियां नारी शक्ति को प्रणाम करते हैं सत्या जी के लिए। नमस्कार। लता जी की याद में जो लता स्वरांजलि का कार्यक्रम महिला दिवस की पूर्व संध्या पे हो रहा है, उसमें सबसे पहले तो मैं लता दीदी को प्रणाम करती हूँ कि शायद ही अब कोई लता हमारे हिंदुस्तान में आए, लेकिन उसके साथ ही हमारे सामने जो बैठी हैं बड़ी दीदी लोग, उन लोग को भी प्रणाम, इसलिए कि वो लोग भी मतलब उसी मनके की एक एक मोती हैं जिन्हें सुन के लगा। और मैं मालिनी अवस्थी जी का भी, जो कि पद्मश्री से पुरस्कृत हैं, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और यहाँ पे आई। साथ ही मैं महिला दिवस के पूर्व संध्या पे जो हमारी बहनें यहाँ पे सम्मानित हुई हैं, उनके लिए मैं ये हेल्प यू ट्रस्ट, उनको सम्मानित करके हम सारे ही लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि केवल एक दिन उनका नहीं है, पूरा 365 दिन उन सबका है। वो आधी आबादी हो, लोग आधी आबादी हो, लेकिन मेरी समझ से वो पूरी आबादी है, क्योंकि उनके बिना घर नहीं चल सकता, उनके बिना कोई बच्चा शिक्षित नहीं हो सकता और घर में सबसे पहले किसी को खाना नहीं मिल सकता। और कहते हैं कि भूखे भजन न हो गोपाला, तो अगर पेट नहीं भरेगा सबसे तो कुछ नहीं हो सकता। जीवन की सच्चाई है कि जरूरत रोटी कपड़ा और मकान है, तो बिना महिला के वो हो नहीं सकता है। उसके साथ ही जितनी महिला सिंगर्स हैं, मैं उन लोगों को दिल से उनको शुभकामनाएं दे सकती हूँ कि उन लोगों ने, उन लोगों की प्रस्तुति जो है वो सबके दिलों को छू गई होंगी, इसलिए कि मुझे तो मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया इतनी देर तक टाइम कैसे गुजर गया। तो उन लोगों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और किसी भी संगीत को सुनने से पहले जो उसको लय सुर ताल में आने का जो मेन मकसद है, वो बिना जो संगीत में सारे जितने भी ये वाद्य यंत्र होते हैं, जब तक उनका कोई मेल ना हो तो शायद उतना अच्छा, उतना कर्णप्रिय नहीं लगता है। तो जो लोग भी वाद्य यंत्रों पे जो भाई बैठे थे, उन लोग को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि उन लोगों की वजह से भी सारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। और इसी के साथ ही मैं एक बात कहना चाहूँगी अलका जी के लिए कि रियली मैं तो अलका जी की फैन हो गई कि मंच संचालन, सबने सुना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है लोगों को बांध के रखने की और किसी भी कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की, जो उसको उन्होंने बखूबी निभाया, उसके लिए मैं उनको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देती हूँ। और इसी के साथ आप सब लोग जो इतनी देर तक बैठे, अपना समय दिया, आप सब लोग को धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। और साथ ही ये पुरुषों का नहीं है, लेकिन रूपल जो कि इस संस्था हेल्प यू ट्रस्ट की सब कुछ है, उसके साथ ही कहते हैं ना कि हर, ये कहावत पहले थी कि हर पुरुष के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, तो कहने में कोई यहाँ पे मुझे मतलब क्या बोलूँ कि मतलब हिचक नहीं है कि रूपल की कामयाबी या रूपल के हर कदम पे साथ देने के लिए हर्षवर्धन अग्रवाल हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा महेंद्र भीष्म जी को, जो कि हर्ष के साथ शाम को 4 बजे से आके और सारे कार्यक्रम की व्यवस्था करने में और सब लोगों के साथ
प्रणाम।